वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मिशन गगनयान की। गगनयान मिशन को रफ्तार के पंख लगने वाले इसरो स्पेस में गगनयान मिशन को भेजने की तैयारी कर रहा है, यानी वो दिन अब दूर नहीं जब स्पेस में शान से तिरंगा लहराया जाएगा, स्पेस में भारत को नई पहचान मिलेगी। गगनयान इसरो का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है जो साल 2024 में लॉन्च होगा। इस प्रोजेक्ट को इसरो के साइंटिस्ट वीआर ललिता अंबिका लीड करेंगी। यूं तो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में कई बार जा चुके हैं। 3 अप्रैल 1984 को सोवियत यूनियन के रॉकेट में बैठकर जाने वाले राकेश शर्मा इंडिया के पहले एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया। 1997 और 2003 को नासा के कोलंबिया स्पेस में कल्पना चावला दो बार स्पेस में जा चुकी है। सुनीता विलियम्स भी दो बार स्पेस में जा चुकी है, लेकिन उन्हें भी अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा ही भेजा गया था। यह भारत के स्वर्णिम इतिहास में पहली बार होगा जब भारत अपने पहले इंडिजिनस मिशन यानी कि पहले स्वदेशी मिशन के तहत एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेगा। यदि यह मिशन सक्सेसफुल होता है तो इंडिया स्पेस में ह्यूमंस को भेजने वाला फोर्थ कंट्री होगा। इससे पहले अमेरिका, रशिया और चाइना ने सक्सेसफुली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशंस कंडक्ट किए हैं। इंडिया के इस स्पेस प्रोग्राम की टोटल कॉस्ट 10,000 करोड़ से कम होने की उम्मीद है, जो कि बाकी कंट्रीज के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के कंपैरिजन में कम है। गगनयान मैन्ड स्पेसक्राफ्ट है जो कि 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाएगा। यह 3.7 टन का स्पेस कैप्सूल 3 एस्ट्रोनॉट्स के साथ 7 दिनों के लिए लगभग 400 किलोमीटर की हाइट पर अर्थ के लोअर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। इंडिया अपने एस्ट्रोनॉट्स को व्योमनॉट्स कहता है क्योंकि संस्कृत में व्योम यानी स्पेस होता है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम को ऑर्बिटल मॉड्यूल भी कहा जाता है। गगनयान मिशन स्पेसक्राफ्ट के दो पार्ट्स हैं, क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल वह पार्ट है जहां एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे। क्रू मॉड्यूल का वेट 3,725 किलोग्राम है। एस्ट्रोनॉट्स के बैठने और सेफ्टी मटेरियल्स रखने के बाद इसका वेट 5,300 किलोग्राम हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सर्विस मॉड्यूल की। यह स्पेसक्राफ्ट का वह पार्ट है जहां पर स्पेसक्राफ्ट को चलाने के लिए फ्यूल रखा जाता है। ये स्पेसक्राफ्ट से अलग भी हो सकता है। सर्विस मॉड्यूल का वेट लगभग 2900 किलोग्राम है और इस तरह गगनयान स्पेसक्राफ्ट का टोटल वेट लगभग 8200 किलोग्राम हो जाएगा। गगनयान स्पेसक्राफ्ट को साल 2024 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से स्पेस में भेजा जाएगा। इसके लिए GSLV Mark 3 का यूज किया जाएगा। यह वही लॉन्च व्हीकल है जिसका यूज हम चंद्रयान सेकंड मिशन में भी कर चुके हैं। लॉन्च होने के लगभग 16 मिनट बाद ही यह रॉकेट गगनयान स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के सरफेस से 400 किलोमीटर की दूरी पर लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ देगा। इसके बाद यह स्पेसक्राफ्ट 7 दिनों तक अर्थ के ऑर्बिट में घूमेगा। स्पेसक्राफ्ट अर्थ पर वापस आएगा उससे पहले यह अपने सर्विस मॉड्यूल और सोलर पैनल्स को अपने से अलग कर देगा। नीचे आते वक्त इसकी स्पीड लगभग 216 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इसको कंट्रोल करने के लिए और सेफ लैंडिंग के लिए इसमें दो पैराशूट सिस्टम लगाए गए हैं। अगर एक फेल भी हो गया तो दूसरा सेफ लैंडिंग के लिए काफी होगा। पैराशूट इसकी स्पीड को लगभग 11 मीटर पर सेकंड कर देगा। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट को बे ऑफ बंगाल में उतारा जाएगा, बिल्कुल इसे समुद्र में ही उतारा जाएगा। इस तरह के लैंडिंग को स्प्लैश डाउन लैंडिंग कहा जाता है। इस मिशन के लिए इसरो ने एक फुल फ्लेज्ड ट्रेनिंग फैसिलिटी सेंटर बेंगलुरु में एस्टेब्लिश किया है जहां पर एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। हालांकि इस मिशन की फॉर्मल ट्रेनिंग एस्ट्रोनॉट्स को रशिया के ग्लाव कॉस्मोस स्पेस सेंटर में दी गई है। इस मिशन को लॉन्च करने से पहले इसरो लगभग 17 अलग अलग टेस्ट कंडक्ट करेगा जिससे एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी को ध्यान में रखा जा सके। इनमें इंटीग्रेटेड एयरड्रॉप टेस्ट, पैड अबाउट टेस्ट, टेस्ट व्हीकल मिशंस कंडक्ट किए जाएंगे। मिशन गगनयान को 3 स्टेजेस में पूरा किया जाएगा जिसमें 2 अनमैन्ड मिशंस यानी
अबॉर्ट मिशंस प्लान किए गए हैं, पहला ट्रायल खाली किया जाएगा, यानी पहली बार में सिर्फ स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाएगा। इसके बाद दूसरे ट्रायल में ह्यूमेनॉइड रोबोट व्योम मित्र को भेजा जाएगा, जिसे खुद इसरो ने तैयार किया है। दोनों ट्रायल के बेसिस पर गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स के साथ ह्यूमेनॉइड रोबोट व्योम मित्र को भी भेजा जाएगा। इस मिशन में काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज रॉकेट को हैबिटेबल बनाना है, ताकि उसमें एस्ट्रोनॉट सर्वाइव कर सकें। स्पेस में जाने के बाद टेम्परेचर कई 100,000 डिग्रीज तक बढ़ जाता है। क्रू मॉड्यूल जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे, उसे रॉकेट इंजन और लॉन्च व्हीकल से सेफ रखना एक चैलेंज होता है। अब तक भेजे गए इसरो के मिशंस में स्पेसक्राफ्ट वापस लौटने के लिए नहीं बनाए जाते, जैसे चंद्रयान और मंगलयान में भी मिशन सक्सेसफुल होने के बाद स्पेसक्राफ्ट वापस अर्थ पर नहीं आए थे। पर गगनयान में ऐसा नहीं है। इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट के साथ में एस्ट्रोनॉट्स की भी अर्थ पर सेफ लैंडिंग जरूरी है, इसलिए इस मिशन में री एंट्री और रिकवरी की कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में एक्सपर्टीज जरूरी है। री एंट्री मतलब फ्रिक्शन के कारण होने वाले हाई टेम्परेचर में भी स्पेसक्राफ्ट की सेफ लैंडिंग हो, और इसके लिए यह भी जरूरी है कि स्पेसक्राफ्ट बहुत ही एक्यूरेट स्पीड और एंगल से अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर करे। साल 2014 में इसरो ने ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट को टेस्ट किया था, जिसे क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसमें स्पेसक्राफ्ट ने 126 किलोमीटर की हाइट से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर किया और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में सेफ लैंडिंग की। इस मिशन में एमरजेंसी एस्केप मैकेनिज्म टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया है। ह्यूमंस को स्पेस में भेजना उतना चैलेंजिंग नहीं है, जितना चैलेंजिंग उन्हें स्पेस से वापस लाना और उनकी सेफ लैंडिंग करवाना है, क्योंकि स्पेस से आते हुए स्पेसक्राफ्ट को एक डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर का सामना करना पड़ता है, जिससे कई बार स्पेसक्राफ्ट जल जाता है। इसी वजह से इसरो ने क्रू एस्केप सिस्टम को डेवलप किया है। अगर स्पेसक्राफ्ट में कोई भी गड़बड़ होती है तो यह एडवांस वार्निंग देगा और रॉकेट से क्रू मॉड्यूल को अलग कर देगा। साल 2022 में इसरो ने क्रू एस्केप सिस्टम का सक्सेसफुल टेस्ट भी कंडक्ट किया था। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम को भी डेवलप किया है, ताकि यह एंश्योर किया जा सके कि क्रू मॉड्यूल जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे, वहां पर अर्थ के जैसी सिमिलर कंडीशंस को रिक्रिएट किया जा सके, जिसमें प्रेशर एयर कंपोजिशन को मेंटेन किया जा सके और हार्मफुल गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जा सके। इसरो ने एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम का डिज़ाइन और लेआउट भी फाइनलाइज कर लिया है। सबसे पहले इसकी टेस्टिंग ग्राउंड लेवल पर की जाएगी, देन उसके बाद स्पेस में इसकी टेस्टिंग की जाएगी। इस मिशन के लिए इसरो ने व्योममित्र नाम का एक फीमेल लुकिंग ह्यूमेनॉइड रोबोट भी डेवलप किया है। यह इंडिया का फर्स्ट हाफ ह्यूमेनॉइड रोबोट है। हाफ ह्यूमेनॉइड इसीलिए क्योंकि इस रोबोट के पैर नहीं है। अभी तक जितनी भी कंट्रीज ने स्पेस में ह्यूमंस को भेजा है, उन्होंने टेस्टिंग के लिए एनिमल्स का ही यूज किया है, लेकिन इसरो ऐसा नहीं करना चाहता और इसलिए इसरो ने व्योममित्र नाम का एक रोबोट बनाया। यह रोबोट न केवल एनक्रूड लॉन्चिंग के टाइम पर स्पेसक्राफ्ट में मौजूद होगा, बल्कि जब एस्ट्रोनॉट्स इसमें बैठकर जाएंगे तब यह उनकी हेल्प भी करेगा। यह रोबोट हिंदी व इंग्लिश दोनों भाषाएं बोल सकता है। स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यह उन्हें सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा। गगनयान प्रोजेक्ट कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, यह तो साल 2006 में ऑर्बिटल व्हीकल नाम से स्टार्ट किया गया था। इसमें मर्क्यूरी क्लास स्पेसक्राफ्ट के जैसा एक सिंपल स्पेसक्राफ्ट तैयार करने का प्लान था। यह सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट्स को ले जाने के लिए बनाया जाना था। मार्च 2008 तक इसकी डिजाइनिंग और प्लानिंग का काम भी पूरा हो चुका था और यह प्रोजेक्ट फंडिंग के लिए गवर्नमेंट को सबमिट किया गया था। 2009 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ फंड्स भी अलॉट किए, पर इस प्रोजेक्ट को इतना सपोर्ट नहीं मिल पाया।
मिशन के लिए लगभग 12,400 करोड़ फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन 2012 तक सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए फंड्स ही अलॉट किए गए। 2017 में गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने के लिए इसरो को फंड्स अलॉट किए और 15 अगस्त 2018 को 72nd इंडिपेंडेंस डे पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस मिशन को पूरा करने की घोषणा की। पर कोविड पेंडेमिक के कारण यह मिशन डिले हुआ और अब इस मिशन साल 2024 में लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, क्या स्पेस में जाना इतना आसान है कि ट्रेनिंग लेने के बाद हम और आप भी स्पेस में जा सकते हैं? तो इसका जवाब भी बिल्कुल नहीं। स्पेस में ह्यूमंस को भेजना किसी खतरे से खाली नहीं होता, ये काफ़ी जोखिम से भरा होता है। इसमें न केवल काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि ह्यूमंस को भी हर समय खतरा रहता है। लॉन्च पैड से जैसे ही स्पेसक्राफ्ट स्पेस की ओर जाता है, वैसे ही मशीन से ज़्यादा ह्यूमंस की जान को लेकर तरह तरह की आशंका उठने लगती है, क्योंकि एक ग्रेविटेशनल फील्ड से दूसरे ग्रेविटेशनल फील्ड में जाने पर ह्यूमंस को कई सारे फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इसमें दिमाग, हाथ और आंखों का तालमेल गड़बड़ाने लगता है। ग्रेविटेशन के एब्सेंस में हड्डियों से पोषक तत्व खत्म होने लगते हैं, जिससे शरीर में कई फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं। स्पेस में रेडिएशन का खतरा भी अर्थ के कंपैरिजन में 10 गुना ज़्यादा होता है। इन चैलेंजेस के बाद भी ह्यूमंस स्पेस में कई सारे अननोन चैलेंजेस का भी सामना करता है। स्पेसक्राफ्ट में ट्रैवल करना आसान नहीं है। स्पेस में जाते हुए एक आम रॉकेट 0 से 29,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बस 30 मिनट में हासिल कर लेता है। रॉकेट के स्पेस में जाने का यह दौर बड़ा ही नाजुक होता है, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स अपनी जान पर खेलकर इन मिशंस पर जाते हैं। जाहिर है, मिशन गगनयान की कामयाबी हिंदुस्तान को स्पेस की दुनिया में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल करवाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।